आज का क्लास में हम लोग जानने वाले हैं मोलरता के बारे में कि मोलरता क्या होता है। तो चलिए जानते हैं। तो देखिए मोलरता जो होता है, जब कभी भी किसी भी विलयन में, विलयन के बारे में तो आप लोग बिल्कुल पढ़े होंगे कि विलयन में जो होता है हमेशा दो चीज उपस्थित रहता है। विलयन में हमेशा दो चीज उपस्थित रहता है। पहला तो हो गया विलेय, पहला हमारा विलेय हो गया, और दूसरा जो रहता है विलायक। विलयन में हमेशा दो चीज उपस्थित रहता है, विलेय और विलायक। तो वही कहना है कि जब किसी विलयन में, विलयन में विलेय और विलायक मिला हुआ रहता है, तो जब किसी विलयन में विलेय का मात्रा जो है एक लीटर विलयन में, जब भी विलयन में, कितना विलयन में, तो एक लीटर विलयन में मात्रा, यहाँ देखना है मात्रा के अनुसार इसका जो प्रकार है अलग अलग होता है। तो जब भी एक लीटर विलयन में हम लोग जितना विलेय के मोल की संख्या को घुलाएंगे उसी को मोलरता कहा जाता है। यानी कि एक लीटर विलयन लिए, उसमें मोलों की संख्या यानी विलेय के मोलों की संख्या, और एक मोल बराबर जो होता है, एक मोल बराबर होता है 6.022 × 10³। यानी कि 6.022 × 10³³ होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो एक मोल बराबर इतना होगा, तो जब विलेय के मोल की संख्या को, यानी एक मोल बराबर इतना हुआ, तो दो मोल बराबर जब निकालने के लिए कहा जाएगा तो इसको दो से गुना कर देना है। तो जाएगा 6.12022 × 10³। तो जब भी एक लीटर विलयन में विलेय के मोल की संख्या को घुलाया जाएगा उसी को मोलरता कहा जाता है, जिसको कि इंग्लिश में मोलारिटी कहते हैं। और ये जो होता है इसको बड़ी एम से सूचित किया जाता है, इसको जो है बड़ी एम से सूचित किया जाता है। और यह जो होता है मोलरता, ये तापमान पर निर्भर करता है। क्योंकि देखिए मोलरता जो होता है ये तापमान पर निर्भर करता है, क्योंकि इससे देखिए आप लोग, यहाँ जो होता है इसमें वॉल्यूम दिया हुआ रहता है, और पता है कि तापमान जो होता है, आयतन जो होता है, वो तापमान पर निर्भर करता है। तो इसमें हम जितना तापमान देंगे आयतन उसके अनुसार बढ़ जाएगा, इसलिए मोलरता जो होता है वो तापमान पर निर्भर करता है। तो देखिए अब यहाँ से इसका जो एक फॉर्मूला होता है, जो कि अधिकतर बार एग्जाम में पूछा भी जाता है या फिर उस पर बहुत बार क्वेश्चन भी आता है। तो देखिए जैसा कि आप लोग यहाँ देख रहे हैं कि विलयन लिए, विलयन में दो चीज उपस्थित है, एक तो विलेय मिला हुआ है और दूसरा हमारा विलायक दिया हुआ है। तो इस विलयन में जो है 3 मोल विलेय लिया गया है और 5 लीटर विलायक। लेकिन अब मोलरता किसको कहते हैं, 1 लीटर विलयन में, तो यहाँ से क्या निकालेंगे, 1 लीटर निकालेंगे। तो देखिए 5 लीटर विलयन में, 5 लीटर विलायक में जो है 3 मोल हमारा विलेय घुला हुआ है, 3 मोल। तो अगर आपसे पूछा जाए कि 5 लीटर में 3 मोल घुला रहता है तो 1 लीटर में कितना हो जाएगा, तो कर देंगे 1 लीटर बराबर, इधर नीचे आ जाएगा तो हो जाएगा 3/5, 3/5 मोल हो जाएगा। तो ये हमारा निकल गया मोलरता। उसी प्रकार इधर बोला जाए कि अगर 9 लीटर में, 9 लीटर विलायक में 7 मोल विलेय घुलाया जाता है तो इसका मोलरता क्या होगा। तो मोलरता हम पता है कि 1 लीटर में निकालते हैं, तो यहाँ से 1 लीटर निकाल लेंगे। तो उसको निकालने के लिए सबसे पहले देखेंगे 9 लीटर में कितना घुलाया जा रहा है, तो 7 मोल। तो 1 लीटर निकालने के लिए हो जाएगा 1 लीटर बराबर 7/9 मोल। ये जो हमारा हो गया ये मोलरता निकल गया। अब आप लोग बोलेंगे कि 9 लीटर में क्यों नहीं बोल सकते 7 मोल, तो ये हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि मोलरता को जो है 1 लीटर विलयन में जब भी रहेगा उसी को हम लोग मोलरता कहेंगे। तो इसका मोलरता निकालने के लिए कहा जाएगा तो हो जाएगा 1 लीटर बराबर 7/9 मोल। अब इसको देखकर आप खुद एक फॉर्मूला निकाल सकते हैं, आप खुद बता सकते हैं कि मोलरता का जो फॉर्मूला है क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ जो आप लोग देख रहे हैं, ऊपर में हमारा विलेय के मोल की संख्या दिया हुआ है, और नीचे जो देख रहे हैं लीटर में, ये हमारा आयतन दिया हुआ है। तो इससे एक फॉर्मूला भी बनता है हमारा कि मोलरता बराबर फॉर्मूला निकल जाएगा कि विलेय की मोलों की संख्या बटे में विलेय का आयतन, जिसको कि शॉर्ट रूप में n/VV लिख सकते हैं। n का मतलब हो गया नंबर ऑफ मोल और V का मतलब हो गया वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये जो हमारा मोलरता का फॉर्मूला निकल गया है, इस फॉर्मूला पर एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन भी पूछा जाता है, इसलिए आप लोग को ये कंप्लीट कर लेना है। देखिए ऐसे भी आप लोग अभी परिभाषा भूल जाते हैं, तो फॉर्मूला से भी आप लोग परिभाषा बना सकते हैं।
कि जब भी एक लीटर विलयन में, जब एक लीटर विलयन में विलेय के मोल की संख्या को घुलाया जाता है उसी को कहा जाता है मोलरता। तो देखिए आज जो जाने हम लोग मोलरता, ऐसे ही सांद्रण का पद जो होता है बहुत सारा है जिसमें कि एक था मोलरता, और ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।